हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 मंथ की इंटर्नशिप एक प्रोग्राम निकला है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे कौन कौन सी बैचेस एलिजिबल हैं। इसी के साथ ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको स्टाइफेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी के साथ पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहां पर हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ये टेली कम्युनिकेशन का पूरा डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, एंगेजमेंट ऑफ इंटर्न्स एज पर टीईसी इंटर्नशिप स्कीम। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर की ये एक इंटर्नशिप स्कीम होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आई है फिल करने के लिए, वो इंडिया के सारे कॉलेजेस से यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इंडिया में रहते हैं आप तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जहाँ पे भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं इंडिया में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है थ्रू ऑनलाइन लिंक ऑन टीईसी वेबसाइट। मैं आपको पूरा बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको कहाँ जाके कैसे सबमिट करना है। दोस्तों, 10/11/2020, 10 नवंबर के पहले आपको इसे फिल करना है। 10 नवंबर के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो 10 नवंबर लास्ट डेट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है, एक तो इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, और क्लिक हर टू सबमिट इंटर्नशिप एप्लीकेशन। दोनों पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट वाले पॉइंट जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का पीडीएफ दिखेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ये पब्लिश किया गया है पीडीएफ। ये एक नोटिफिकेशन है, इस इंटर्नशिप के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देख लेते हैं सबसे पहले ये इंटर्नशिप स्कीम क्या है। जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर है टीईसी, जो कि डिपार्टमेंट है टेली कम्युनिकेशन का न्यू दिल्ली में, उन्होंने यहाँ पे इंटर्न्स को हायर करने का एक स्कीम निकाली, एक प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है, जिसमें एप्लीकेशंस एलिजिबल कैंडिडेट जो कि स्टूडेंट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन इंडिया और अब्रॉड एज बिलो, उन्होंने पूरा बता रखा है यहाँ पे। अब सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बिलीव मी, यहाँ पे ऐसी कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हैं, आईटी ब्रांचेस हैं, तो रेडियो टेली कम्युनिकेशन ब्रांचेस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले ही आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, प्री फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, या आप ग्रेजुएट हो गए हो, 2020 पास आउट हो, 2021 पास आउट हो, या 2022 पास आउट हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली विल बी 6 मंथ। 6 मंथ की ये इंटर्नशिप रहेगी, जो कि अगर जरूरत लगी तो ये 12 मंथ्स की भी हो सकती है, बाकी 6 मंथ की ये इंटर्नशिप होगी। द एंटल्स विल बी पेड अ टोकन अमाउंट ऑफ 15,000 पर मंथ एंड विल बी इशूड एज अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे। इसी के साथ ये जैसी इंटर्नशिप खत्म होगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपने ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। 15,000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे आप जो भी पूरा काम करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के साथ मिलके कोलेबरेट होके काम करेंगे, वहां पे कुछ नया सीखेंगे, तो इस टाइप से यहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे और एट द एंड सर्टिफिकेट भी इश्यू होगा। अब यहाँ पे उन्होंने बता रखा है द नंबर ऑफ इंटर्न प्रोविजनल एंड मेरी वेरी एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। उन्होंने बता रखा है कि जब फाइनलाइजेशन होगा सिलेक्शन की प्रोसेस का, तो जो नंबर ऑफ इंटर्न्स है उनको ज्यादा भी लिया जा सकता है और वेरी भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये बताया है दोस्तों कि यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे, तो उनको दोस्तों वहां पे आपको अपने कॉलेज से एक लेटर करवाना होगा, एक लेटर जिसमें परमिशन होगी आपकी कॉलेज की कि हाँ ये गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप जब फिल करेंगे तो एक लेटर है वहां पे, तो वो लेटर में आपकी कॉलेज की परमिशन होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर इस इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, कॉलेज को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो आपको लेटर अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा उसको आपको कहाँ पे
सबमिट करना है। इसी के साथ जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड होगी, ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन टीईसी वेबसाइट बताऊंगा, ये लिंक यहाँ पे ओपन है, और 10/11/2020 10 नवंबर के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। आप जब सबमिट करें ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है करेक्टली, और सारी एक ही सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सभी चीजों को अपलोड करना है, और जो फाइल का नाम होगा वो आपका खुद का नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि फाइल नेम क्या है यहाँ पे, इसी के साथ आपको कौन सा फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म। तो इस हिसाब से लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इज लाइकली टू होस्टेड ऑन टीईसी वेबसाइट बाय 15/12/2020, 15 दिसंबर के दिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं वो कौन है, और ऑफर लेटर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट को वो उनके ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है एक हेल्पलाइन के लिए, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंटर्नशिप किस चीज से रिलेटेड है। टेली कम्युनिकेशन के बारे में बता रखा है कि एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इसी के साथ उनके साथ आपको कोलेबरेट करके वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप काफी चीजों में देखने को मिलेगी, जैसे कि मोबाइल, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट नेटवर्क, नेक्स्ट जनरेशन स्विचिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूचर नेटवर्क, टेलीकॉम सर्टिफिकेशन, काफी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में बता रखा है कि जो आप यंग यूथ जनरेशन है अभी उनके लिए इंटर्नशिप निकाली गई है स्कीम के हिसाब से। एलिजिबिलिटी में उन्होंने अब ये 2.0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आराम से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये पॉइंट समझ लीजिए उसी के बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एब्रॉड, इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया के स्टूडेंट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन इंडिया और एब्रॉड स्टडिंग इन थर्ड और फोर्थ ईयर फाइनल और प्री फाइनल ईयर। आप फाइनल ईयर में हैं, प्री फाइनल ईयर में हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन एंड सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने आपके 10th 12th के 60% मार्क्स नहीं मांगे, अभी आप अभी अभी यूनिवर्सिटी में हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 60% मार्क्स होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो इन्होंने यहाँ पे ब्रांचेस बताई है वो मैंने आपको पढ़ के बता दी है कि आप पर्टिकुलर इस ब्रांच से रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है इन ही ब्रांचेस में और 60% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं इन ही कोर्सेज में, इन ही ब्रांचेस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो आपके 60% मार्क्स होंगे। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, आप यहाँ से अपनी ब्रांचेस देख सकते हैं। बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उन्होंने फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रखा है कि वो जो टीईसी डिपार्टमेंट रहेगा वो ही इसकी जो क्वालिफिकेशन है रिकमेंडेशन के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे आपको, और पजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन नॉट गारंटी इंटर्नशिप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके परसेंटेज और जो क्वालिफिकेशन है वो तो सब ठीक है, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका यहाँ पे जब इंटरव्यू होगा या जो भी इनकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी वहां पे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप बता देता हूँ, मिनिमम ड्यूरेशन इंटर्नशिप का 6 मंथ का है और वो 12 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो 6 मंथ है, एक्सटेंशन बियॉन्ड 6 मंथ शैल बी परमिटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटर्न। आपके कॉलेज से जो है वो यहाँ पे वो होना चाहिए, आप अगर अभी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप वहां से आपको अप्रूव होना चाहिए कि आप वहां पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई करना है, अप्लाई की प्रोसेस में हम बाद में आएंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अब सिलेक्शन यहाँ पे बता रखा है कि आफ्टर द प्रीलिमिनरी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन कमिटी की जो भी प्रोसेस होगी उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और पर्सनल या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है आपका अगर जरूरत पड़ी तो, इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए या पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करने के लिए।
आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंटर्न को, जैसे कि आप अगर इंटर्न हो गए तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपका डेली वर्क चल रहा है डोमेन में, इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे ये भी बता रखा है दोस्तों कि इफ द एप्लीकेंट इज परसुइंग स्टडी एट एनी इंस्टीट्यूशन देन एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको बता दूं, एक नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है दोस्तों, तो वो नो ऑब्जेक्शन लेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नो ऑब्जेक्शन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के या आपके कॉलेज के, आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आपके जो सुपरवाइजर होंगे, HOD होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन के, तो उनसे आपको एक नो ऑब्जेक्शन लेटर बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने के लिए, इस इंटर्नशिप में आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक बताना पड़ेगा या जो भी लेटर है। इंटर्नशिप इज नाइदर अ जॉब नॉर एन अश्योरेंस ऑफ जॉब विद द TEC। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि ये खाली एक इंटर्नशिप है, ये जॉब नहीं है। प्लेसमेंट उन्होंने बता रखा है कि इंटर्न्स जो रहेंगे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि नीचे यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से, सपोर्ट्स के बारे में बता रखा है कि किस हिसाब से उनके, जैसे आप अभी इंटर्न है तो आपको सबसे पहली बात एक बता दूं, आपके पास खुद के ऑन लैपटॉप होने चाहिए, क्योंकि आप वहां पे वर्क करेंगे तो वहां पे वर्किंग स्पेस रहेगी, फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से पूरी रहेगी, सब कुछ रहेगा वहां पे, लेकिन आपके पास खुद के लैपटॉप होने चाहिए जिसपे आप अच्छे से काम कर सकें। अब कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो है इंटर्न को सारे रूल्स और रेगुलेशन है TEC के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होगी आपको उसमें जाना पड़ेगा। जितना आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप चलेगी इसमें आपको जितना पूरा वर्क करना पड़ेगा, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बता रखा है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबमिशन ऑफ पेपर बता रखा है कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट पेपर दी जाती है और आपको एट दी लास्ट आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी कि इंटर्नशिप से रिलेटेड आपने जितना भी वर्क किया है, तो आपको पूरी इस हिसाब से वो आपको प्रोसेस में बता दे जाएंगे ईमेल के थ्रू कि किस किस हिसाब से आपको पूरा काम करना है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि एवरी इंटर्न विल बी पेड अ टोकन रिन्यूमरेशन पर मंथ ऑन इस बेसिस पे बता रखा है उन्होंने कि आपको 15,000 पर मंथ स्टाइफेंड मिलेगा। इसी के साथ सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप मिलेगा। उन्होंने ये भी बता रखा है कि यहाँ पे आपको जो साइन रहेगा वो बिल्कुल ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे डिसइंगेजमेंट के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता रखे, नंबर ऑफ इंटर्न्स बता रखे, स्कीम रिव्यू, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेक्निकल डिवीजन एंड देयर वर्क एरियाज। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको इंटर्नशिप की पोजीशन कौन कौन सी मिलने वाली है। जैसे एक फिक्स्ड एक्सेस है, टेलीकॉम से रिलेटेड है, ग्रीन टेलीकॉम यहाँ पे बता रखा है, इफिशियंसी एनर्जी से, फ्यूचर नेटवर्क IT से रिलेटेड है, ये जो IPv6 होता है, इसी के साथ IPv4, स्टरलाइजेशन ऑफ IT इक्विपमेंट सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बता रखा है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, स्मार्ट हेल्थ, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रखा है, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क, LTE एडवांस, ऐसे ही उन्होंने रेडियो, स्मार्ट नेटवर्क, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल ब्रांच सब के लिए यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। जितनी भी उन्होंने ऊपर ब्रांचेस दी है उस हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट मिलने वाली है। अब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अब ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बता देता हूँ। अब टाइम हो गया है एप्लीकेशन प्रोसेस बनाने का। ये क्लिक हर टू सबमिट इंटर्नशिप एप्लीकेशन पे आप जैसे ही करेंगे आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। एक सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दे दूंगा, फर्स्ट लिंक पे जाइएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अब इस फॉर्म पे जाएंगे आप सबसे पहले ये फिल कीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप अभी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, मार्क्स इन 12th, फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर BE CGPA आपका, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर BTech, फर्स्ट ईयर अगर आप ग्रेजुएट है तो इस हिसाब से उन्होंने पूछ रखा है, MTech का पूछ रखा है, फिर रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट, आप रिसमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट, अगर आपने इंस्टीट्यूट की तरफ से वो फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा नो ऑब्जेक्शन का तो आप यस कर सकते हैं, नेम ऑफ डिग्री, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन, एड्रेस क्या है, रिमार्क्स। अब ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे उन्होंने ये लिख रखा है कि यहाँ पे आपको एक ही PDF में सारे फॉर्म सबमिट करने हैं। अब वो कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे PDF में, PDF की भी लिंक दूंगा मैं आपको वहां पे, ये PDF में जो आपको फॉर्म दिख रहा है इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको ये फॉर्म जो है वो पूरा फिल करना है। मान लीजिए इसकी प्रिंट आउट निकलवाना है और पूरा इसको साइन इन करना है, जैसे कि इसको साइन वाइन मतलब नीचे यहाँ पे आपको पूरी साइन करनी है अपनी, इसी के साथ आपको यहाँ पे अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, किसके हिसाब से आपके यहाँ पे परसेंटेज है, स्टडिंग एट प्रेजेंट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिग्री अलोंग विद ब्रांच स्पेशलाइजेशन,
अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, पेपर पब्लिश कर रखे हैं, तो आप बताना है स्पेसिफिक एरिया एनी, और फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, प्लेस, डेट और नेम, और फिर ये रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। ये देखिए दोस्तों, ये रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या आपको फॉर्म बताना है कि ये ऑथोराइज सिग्नेचर उनका होना चाहिए, जिससे कि कॉलेज आपको रिकमेंड कर रहा है कि इसके लिए, इस इंटर्नशिप के लिए। तो रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट है। आप ऐसा भी करवा सकते हैं कि आपके कॉलेज में ये फॉर्म भेज सकते हैं और वहां से साइन होके आपको इमेज आ जाएगी, तो आप इमेज भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी कोविड के चलते कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, फोन की तरह फोटो खींच के ही भेज सकते हैं। तो इस टाइप से रिकमेंडेशन हो जाएगा। ये जो पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म आपको दिख रहा है ये, और ये रिकमेंडेशन वाला फॉर्म दिख रहा है, ये पूरा आपको एक सिंगल पीडीएफ में रखना है, और फिर यहाँ से ऐड फाइल करनी है, फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन, और फिर सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस है। यहाँ पे नीचे का फॉर्म कुछ सबमिट नहीं करना है, ये इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जो उनकी तरफ से दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बता रखी है, कितने नंबर ऑफ इंटर्न है इस हिसाब से। तो दोस्तों, इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस थी। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से लेना है, पूरा प्रिंटआउट निकलवाना है, इस दोनों के रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले फॉर्म में आपको इंस्टीट्यूट से साइन करवानी है, जो भी आपके एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे ये जो सेकेंड फॉर्म दूंगा मैं आपको, गूगल फॉर्म, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और एक ही फाइल रखनी है, डबल डबल फाइल मत रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपको एक ही फाइल रखनी है। तो इस टाइप से ये पूरा फॉर्म था। तो मैं आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इस टाइप से ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप थी, काफी अच्छी इंटर्नशिप है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज में मैं कुछ इस तरीके की इंटर्नशिप जॉब अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर जॉब अपडेट्स इंटर्नशिप के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।